हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 14th अक्टूबर के करेंट अफेयर्स और शुरुआत करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। आज हम दो इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड एग डे एंड सेकेंड इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। दोनों दिनों की थीम्स के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे जो है वो लोगों को स्टैंडर्डाइजेशन की क्या वैल्यू होती है, वर्ल्ड इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी में इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडस्ट्री के लिए, कंज्यूमर के लिए स्टैंडर्डाइजेशन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में लोगों को बताने के लिए ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के द्वारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 1970। पहली बार वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 1970 को सेलिब्रेट किया गया था और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है शेयर्ड विजन फॉर बेटर वर्ल्ड। इस साल की थीम रखी गई है। अगर हम ISO मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो 23rd of Feb 1947 को इसका फॉर्मेशन लंदन UK में हुआ था, लेकिन इसका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड एग डे। वर्ल्ड एग डे हालांकि जो अक्टूबर मंथ का सेकेंड फ्राइडे होता है, अक्टूबर मंथ का जो सेकेंड फ्राइडे होता है उसमें वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल ये दिन 14th of October को पड़ा है, इसलिए 14 अक्टूबर को वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और थीम है एग्स फॉर बेटर लाइफ। कि एग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स माना जाता है, तो लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस दिलाने के लिए 1996 की कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया, वियना कॉन्फ्रेंस में, कि हर साल हम जो सेकेंड फ्राइडे होगा मंथ का अक्टूबर का उसमें हम एग डे सेलिब्रेट करेंगे और थीम है एग्स फॉर बेटर लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट डे थे। अच्छा, आज के करेंट अफेयर्स के PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। वीडियो के लास्ट में बहुत सारे रिवीजन क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको हमेशा की तरह हमें कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि SSC Tier 1 की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है केवल और केवल परचम के एप्लीकेशन पे। बिगनर और एडवांस दोनों लेवल पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो अभी आप परचम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले है आज का इंडेक्स, CRI इंडेक्स 2022। इसे ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फिनेंस इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसके सोर्सेज कौन है? ऑक्सफैम एंड डेवलपमेंट फिनेंस इंटरनेशनल जो है उसके द्वारा CRI इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। CRI इंडेक्स बताता है इनइक्वलिटी के बारे में। ठीक है, तो कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इंडेक्स, इसको हम CRI इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल 161 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत की रैंकिंग 123rd नंबर पर है। भारत की रैंकिंग किस नंबर पर है? 123rd नंबर पर है। और CRI इंडेक्स का ये फोर्थ नंबर का एडिशन था। कौन सा एडिशन है? ये फोर्थ नंबर का एडिशन है। ये शो करता है कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुआ है या आपके देश ने किस तरीके से इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने के लिए काम किए हैं। तो उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 123rd है आउट ऑफ 161 नेशंस। टॉप थ्री अगर नेशंस की बात करते हैं तो नॉर्वे, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। ठीक है, इसको ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल के द्वारा पब्लिश किया जाता है टू मेजर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड एक्शन इन थ्री एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं? एक तो है सोशल प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग याद रखेंगे 123rd नंबर पे है और हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान उसकी रैंकिंग 126 पे है, वहीं अफगानिस्तान 138 नंबर पे है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और ऑक्सफैम जो बना था वो 1942 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इन एक्टर को तो आपने कई बार देखा होगा, इनकी कई सारी आपने मूवीज़ देखी होंगी, टॉम क्रूज। और ये पहले ऐसे एक्टर बनने जा रहे हैं जो कि स्पेस में, आउटर स्पेस में शूटिंग करने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ही अपनी मूवी को शूट करेंगे आउटर स्पेस में, और आउटर स्पेस में शूटिंग करने वाले, क्योंकि अभी तक हम जो मूवी देखते हैं वो उनको तो सेटअप तैयार किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि स्पेस में जाके वाकई में शूटिंग हो रही है, नहीं, ऐसा थिएटर में, ऐसा सेटअप जो है इनके प्रोडक्शन हाउस में तैयार किया जाता है। लेकिन पहली बार कोई एक्टर होगा जो डायरेक्टली स्पेस में जाएगा और वहाँ से शूटिंग करेगा, वो कौन होंगे? टॉम क्रूज।
ठीक है, चलो हम न्यूज़ की तरफ बात करते हैं. विच एक्टर विल बिकम द फर्स्ट एक्टर टू शूट इन स्पेस, तो कौन से अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले अभिनेता बन जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा टॉम क्रूज. टॉम क्रूज अपने आने वाली फिल्म के लिए शूटिंग करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और आउटर स्पेस में, और इन्हें डायरेक्ट करेंगे वो होंगे डोंग लिमेन. तो डोंग लिमेन और टॉम क्रूज ने MOU साइन किया है UFEG मतलब यूनिवर्सल फिल्म इंटरनेशनल ग्रुप के साथ, जो कि प्लान कर रहे हैं रॉकेट में और ट्रेवल करने का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू गिनी, तो गिनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा. तो गिनी एक नेशन है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. इसके नए एम्बेसडर, नए राजदूत अपॉइंट किए गए हैं अवतार सिंह. अवतार सिंह जो कि प्रेजेंटली डायरेक्टर थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, इन्हें नया एम्बेसडर बनाया गया है रिपब्लिक ऑफ गिनी का, अवतार सिंह, ठीक है. अवतार सिंह गिनी जाएंगे. वहीं डॉक्टर आदर्श जो हैं वो नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के. तो दो पर्सन आपने यहाँ पे याद रखना, एक तो अवतार सिंह और एक डॉक्टर आदर्श. अवतार सिंह गिनी जाएंगे और डॉक्टर आदर्श कुवैत जाएंगे. चलिए अब दो और पर्सन हम देखते हैं न्यूज़ में. जस्टिस पंकज मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट. तो अभी आप लोगों ने पंकज मित्तल का नाम सुना होगा, ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे चीफ जस्टिस थे. अब इन्हें भेजा जा रहा है कहाँ पे, राजस्थान हाई कोर्ट. तो जस्टिस पंकज मित्तल जो हैं उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है, ठीक है. वहीं अगर हम जस्टिस अली मोहम्मद के बारे में बात करते हैं, जस्टिस AM मैग्रे, इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ लद्दाख एंड जम्मू हाई कोर्ट का बनाया जा रहा है. वहीं कर्नाटक का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहे हैं जस्टिस बी बराले, ठीक है. तो तीन पर्सन आपको याद हो जाने चाहिए, जस्टिस पंकज मित्तल जिन्हें राजस्थान हाई कोर्ट भेजा जा रहा है, जस्टिस बी बराले जिन्हें कर्नाटक का हाई कोर्ट पहुंचाया जा रहा है, और जस्टिस AM मैग्रे इन्हें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जा रहा है. तो ये तीन नियुक्तियाँ हुई हैं, इन तीनों के बारे में भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं. चलिए अगले पर्सन, अगली न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं. अच्छा, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कवर कराया था कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रही है, 12 राज्यों से गुजरेगी. ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी. वैसे ही बहुत जल्दी 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं गुजरात में, तो गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत गुजरात में की है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत की गई है, तो गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह और JP नड्डा के द्वारा की गई है, ठीक है. अमित शाह जी ने तीन रूट बताए हैं जहां से गुजरात गौरव यात्रा निकलेगी. पहला जो रूट होगा वो आप देखेंगे कहां पर, जनजारका विलेज अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, संत सैवत्यनाथ टेम्पल से ये यात्रा निकलेगी सोमनाथ तक सौराष्ट्र रीजन में, ये पहला रूट होगा. दूसरा रूट जो होगा वो उन्नई माता टेम्पल से जो है वो कहाँ पर जाएगा आपका, मुंडा जो ट्राइबल, बिरसा मुंडा ट्राइबल जो एरियाज हैं 14 ऐसे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए अंबाजी टेम्पल तक जाएगा. और इस तरीके से तीसरा जो रूट होगा वो भी उन्नई टेम्पल से जो है वो फगवेल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा और 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकलेगा. इस तरीके से तीन रूट डिसाइड किए गए हैं जहाँ पे गुजरात गौरव यात्रा निकाली जाएगी बाय द JP नड्डा एंड अमित शाह. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेयर हैज़ महेंद्र सिंह धोनी इनाग्रेटेड द सुपर किंग्स अकेडमी. तो सुपर किंग्स अकेडमी इनाग्रेट किसने की है, महेंद्र सिंह धोनी ने की है. कहाँ पर, तमिलनाडु में. तो महेंद्र सिंह धोनी इनाग्रेटेड द सुपर किंग्स अकेडमी एट MS धोनी ग्लोबल स्कूल इन होसुर तमिलनाडु. तो MS धोनी ग्लोबल स्कूल कहाँ है, होसुर में तमिलनाडु में. वहाँ पर सुपर किंग्स अकेडमी का इनाग्रेशन महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया गया है. ये जो अकेडमी है 2023 तक ऑपरेशनल हो जाएगी. IPL फ्रेंचाइजी वाली ये तीसरे नंबर का अकेडमी होगा. इसके पहले चेन्नई और सालेम में भी इस तरीके के इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जा चुका है. ओके, अब तमिलनाडु से एक और बहुत उभरती हुई तड़क भड़क वाली न्यूज़ निकल के आती है, वो भी हम देख लेते हैं. ये जो दिख रहे हैं ये कौन है, सैलेंडर लॉरिस है, ठीक है. ये कौन है, सैलेंडर पतले दुबले लॉरिस साहब है, और इनकी एक सेंचुरी बनाई जा रही है. और इस तरीके से ये भारत की पहली ऐसी सेंचुरी होगी जो कि सैलेंडर लॉरिस पे बेस्ड है, ठीक है. तो पूरा न्यूज़ हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे. कदमपुर सैलेंडर लॉरिस सेंचुरी, तमिलनाडु नोटिफाई इंडिया फर्स्ट सैलेंडर लॉरिस सेंचुरी.
तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली अपडेट किया है और ये तमिलनाडु की पहली साथ ही साथ पूरे भारत की पहली ऐसी सेंचुरी होगी जहां पे कंजर्वेशन का काम, प्रिवेंशन का काम किया जाएगा सिलेंडर लॉरिस का। लगभग 11,800 हेक्टेयर के रीजन में आपको ये लॉरिस सेंचुरी देखने को मिलेगी जो कि करूर एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के रीजन में होगी। गवर्नमेंट ने नोटिफाई इसे किया गया है और नई सेंचुरी अंडर द सेक्शन 26 सब क्लॉज ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसको सेटअप किया जा रहा है तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा और इस इनडेंजर स्पीसीज को एक कंजर्व करने के लिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेटअप किया जा रहा है। अभी पिछले 10-15 महीने में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, इनडेंजर स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए। कुछ दिन पहले मैंने आपको डुगोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताया था जो कि भारत की पहली फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है जो कि पाकवे तमिलनाडु में सेटअप किया जा रहा था। इसके अलावा आपने अगर नंजरायन टैंक के बारे में सुना होगा तो नंजरायन टैंक जो वर्ल्ड सेंचुरी है वो भी तमिलनाडु में सेटअप की गई थी। अभी बहुत सारी रामसर साइट को भी नोटिफाई किया गया था तमिलनाडु में और 5th नंबर का एलिफेंट रिजर्व अगस्त मलाई भी तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो तमिलनाडु ने कई सारे काम अभी रिसेंट समय में किए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। अगर हम इस सिलेंडर लॉरिस के बारे में बात करते हैं तो ये लॉरिस जेनिस से बिलोंग करता है और इसके नेटिव कौन है, श्रीलंका और सदर्न इंडिया इसका नेटिव प्लेस है। ये पेड़ों पे रहते हैं और पेड़ों पे ही ये ट्रैवलिंग करते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाते हैं। बहुत ही प्रिसाइज इनका मूवमेंट होता है। ये सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इंसेक्टिबोरस है और प्लांट्स को कंज्यूम करने का काम भी ये करते हैं। अगर IUCN की लिस्ट के बारे में बात करें तो इनडेंजर कैटेगरी में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। चलिए अगली बात करते हैं। विच एयरपोर्ट हैज एंटायरली स्विच टू ग्रीन सोर्स फॉर इट्स एनर्जी कंजप्शन नीड, मेकिंग इट्स वन ऑफ द इंडियाज 100% सस्टेनेबल एयरपोर्ट। तो कौन सा हवाई अड्डा अपनी ऊर्जा खपत की ज़रूरतों के लिए पूरी तरीके से हरित स्रोतों से बदल गया है, जिसने हाल ही में भारत के 100% स्थायी हवाई अड्डों में अपना स्थान बनाया है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम पूरी तरीके से सोलर ऑपरेटेड हवाई अड्डा देखेंगे तो कुछ और होगा। आप लोगों ने कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में सुना होगा जो पूरी तरीके से सोलर ऑपरेटेड है। यहाँ पर बात हो रही है कि पूरी तरीके से ग्रीन सोर्स को यूज़ कर रहा है, ग्रीन एनर्जी को यूज़ कर रहा है और सस्टेनेबल एयरपोर्ट बन गया है, ना कि ये पूरी तरीके से सोलर एनर्जी यूज़ कर रहा है। यहाँ पर सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल और केवल 5% ही है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एयरपोर्ट बन गया है जो कि एंटायरली स्विच हो गया है ग्रीन सोर्स फॉर इट्स एनर्जी कंजप्शन? तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई, ठीक है। ये जो एयरपोर्ट है वो अडानी ग्रुप और AAI के द्वारा ऑपरेटेड एयरपोर्ट है, मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसमें 95% एनर्जी जो है वो हाइड्रो एनर्जी और विंड एनर्जी है, वहीं 5% एनर्जी जो है वो सोलर एनर्जी यहाँ पर यूज़ की जा रही है इसके ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। मुंबई एयरपोर्ट वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विच हैज़ बीन सोलली रनिंग ऑन ग्रीन एनर्जी सिंस अप्रैल। और यहाँ पे नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट 2029 तक रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th हेली इंडिया समिट 2022 इन श्रीनगर? तो किस केंद्रीय मंत्री ने 4th नंबर का हेली इंडिया समिट को लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है श्रीनगर में? तो आंसर हो जाएगा ज्योति आदित्य सिंधिया। तो ज्योति आदित्य सिंधिया हमें पता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को संभालते हैं। इनके द्वारा 4th हेली इंडिया समिट इनॉग्रेट किया गया है श्रीनगर में, जिसकी थीम रखी गई है हेलीकॉप्टर फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और साथ ही साथ सिंधिया ने कहा है कि 861 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए जाएंगे सिविल इनक्लेव में जम्मू के रीजन में। अगर हम 3rd हेली इंडिया समिट के बारे में बात करते हैं तो इसे देहरादून में ऑर्गेनाइज कराया गया था उत्तराखंड में 2021 में, और 4th समिट श्रीनगर में जम्मू रीजन में हो रहा है। चलिए अगली बात करते हैं, माँ भारती के सपूत वेबसाइट। तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट किसने लॉन्च की है? राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की जा रही है 14 अक्टूबर को, मतलब आज ही के दिन इसे लॉन्च किया जाएगा। अब हम इसका एजेंडा समझते हैं कि क्यों इसे लॉन्च किया जा रहा है। बेसिकली ये ट्राई सर्विस फंड के लिए लॉन्च की जा रही है। इसमें लोगों से अपील की जा रही है कि जो लोग भी सक्षम है वो इस फंड में
आपको क्या करना है, फंड करना है, मतलब इस फंड में आपको डोनेशन करना है, और एक कंट्रीब्यूशन किसे दिया जाएगा, जो बैटल फील्ड में लोगों की जान हो जाती है या बैटल फील्ड में जो कॉजिलिटी होती है और लोगों को हताहत नुकसान होता है, तो प्राइमरी रूप से इनको जो है वो मेडिकल फैसिलिटी और इनके घर वालों को भी सुविधा प्रोवाइड की जा सके, इसलिए इस फंड को लॉन्च किया गया है माँ भारती के सपूत वेबसाइट, ठीक है, टू इनेबल सिटीजन टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द आर्म फोर्स बैटल कॉजिलिटी वेलफेयर फंड, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसके लिए अमिताभ बच्चन को गुडविल एम्बेसडर भी अपॉइंट किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंडियाज नेवी, इंडियन नेवीज फाइटर जेट क्रैश्ड इन गोवा। इंडियन नेवी का जो MiG-29K है वो क्रैश हो गया है गोवा में, और ये अपने रूटीन पर ही था जैसे इसकी सर्विसेज थी, और टेक्निकल कुछ फॉल्ट या मल फंक्शनिंग हुआ है जिसके बाद ये क्रैश हो गया है MiG-29K। आइए हम इस थोड़ी से MiG-29K के बारे में जान लेते हैं। MiG-29 जो है वो एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको रशिया ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो 1430 किलोमीटर की रेंज है और 2446 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये चल सकता है, ठीक है। MiG-29K जो एयरक्राफ्ट है वो काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा, इसने पिछले कुछ सालों में कई सारे एक्सीडेंट को फेस किया है। 2020, 19, 18 में इसके कई सारे एक्सीडेंट रिपोर्ट किए गए हैं, ठीक है। MiG-29 को तैयार रशिया ने किया है और अभी इसे गोवा के नेवल बेस में INS हंसा में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में भारत का प्लान है कि जितने भी MiG-29 विमान हैं स्कॉट्स हैं उनको जो है वो रिटायर कर दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम नासा के डार्ट मिशन के बारे में। पहले तो हम जानते हैं कि नासा का डार्ट मिशन करता क्या है। तो बेसिकली हमारा जो स्पेस है उसमें बहुत सारी डेब्रीज है, बहुत सारा कचरा है, एस्ट्रॉइड्स है, रॉक्स है, और ये लगातार घूम रहे हैं और किसी भी समय ये अर्थ से टकरा सकते हैं। तो कोई भी एस्ट्रॉइड अर्थ से ना टकराए और उसके टकराने के पहले ही उस एस्ट्रॉइड का रास्ता या पाथ चेंज कर दिया जाए, उसके लिए डार्ट मिशन नासा के द्वारा तैयार किया गया था, जिसका फुल फॉर्म डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट है। नवंबर 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका मेन एजेंडा आपको क्लियर हो चुका है, और इसे लॉन्च इसलिए किया गया था कि जो डिमॉर्फोस एस्ट्रॉइड है जो कि कभी अर्थ से टकरा सकता है, उसके रास्ते को चेंज करना। तो यहाँ पर एक बहुत ज़ोर से स्पेस में टक्कर कराई गई थी नासा के डार्ट मिशन की इस एस्ट्रॉइड से, और फाइनली सक्सेसफुली जो है इस एस्ट्रॉइड का पाथ डार्ट मिशन के द्वारा चेंज कर दिया गया है। पहले इस एस्ट्रॉइड को 11 hours and 55 minutes लगते थे अपने एस्ट्रॉइड का चक्कर लगाने में, अभी 32 minutes से इसे डिस्प्लेस कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, ओके। तो ये सक्सेसफुल मिशन हुआ है डार्ट का, तो जो मैंने आपको बता दिया। तो आपको याद रखना डार्ट मिशन किसने लॉन्च किया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसने कौन से एस्ट्रॉइड को डिस्प्लेस किया है, और डार्ट का फुल फॉर्म क्या है। ये 4-5 बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं WWF रिपोर्ट के बारे में। वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाई 69% वर्ल्ड वाइड सिंस 1970। तो यहाँ पे देखिए WWF के द्वारा एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 पब्लिश की गई है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है 1970 से 2018 तक अभी तक जो है लगभग 69% वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। मतलब क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, तो बहुत सारे एनिमल इंडेंजर में हैं, कुछ एनिमल एक्सटेंट हो चुके हैं, तो उनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, और 1970 से 2018 तक 69 जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो चुकी है, ऐसा इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन रीजन जो है वहाँ पर सबसे अधिक पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ का डिक्लाइन हुआ है, जो कि है 94%, ऐसा बताया जा रहा है। 66% जो डिक्लाइन हुआ है वो अफ्रीका रीजन में हुआ है, 5% डिक्लाइन एशिया पैसिफिक रीजन में देखा गया है। वहीं फ्रेश वाटर पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 83% डिक्लाइन हुई है, और काफ़ी सारे प्लांट की स्पीसीज भी जो है वो डिक्लाइन हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, ऐसा इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं PM डिवाइन स्कीम के बारे में। कैबिनेट ने अप्रूव किया है PM डिवाइन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके लिए 6,600 crore रुपीज़ दिए हैं इस स्कीम के लिए। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड स्कीम है। इसके अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। PM डिवाइन का मतलब है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये आने वाले 4 सालों के लिए इस स्कीम को फंड किया जाएगा। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर स्कीम होगी, और जो हमारा 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन है 2022-23 से 2025 तक, उसके लिए यहाँ पे 6,600 crore रुपये का बजट यहाँ पे रखा है,
ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा इसे चलाया जा रहा है, मतलब डोनर के द्वारा इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट है गूगल लॉन्च प्ले पॉइंट इन इंडिया। तो गूगल के द्वारा यहाँ पर ग्लोबल रिवॉर्ड प्रोग्राम जिसका नाम है प्ले पॉइंट इंडिया में लॉन्च किया है। इसके पहले ये ऑलरेडी 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन 28 अलग अलग कंट्री में से रन किया जा रहा था, फाइनली इंडिया में भी इसे लॉन्च किया गया है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन परचेस करते हो, कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, एप्लीकेशन को बाय करते हो, मूवी गेम्स या ई बुक को बाय करते हो, तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे और इस रिवॉर्ड का यूज़ आप जो है दूसरे परचेजेस करने के लिए, जो गूगल प्ले के द्वारा होने वाली दूसरी बिलिंग है वहाँ पर आप इस रिवॉर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इसे थर्ड पार्टी बिलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये जो ऑपरेशन है पूरी तरीके से फंडेड है बाय गूगल, क्लियर है। तो गूगल ने प्ले पॉइंट स्कीम को शुरू किया है भारत में भी, जो कि 2018 में 28 अलग अलग देशों में ऑलरेडी रन की जा रही थी। आज की लास्ट न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड अनकंडीशनल लोन ऑफ $250 मिलियन फॉर सॉल्ट प्रोजेक्ट। तो यहाँ तो आधा बच्चा वही कंफ्यूज हो जाएगा अगर पूछ लिया कि सॉल्ट प्रोजेक्ट का रिलेशन किससे है, यह सॉल्ट प्रोजेक्ट किस स्टेट का प्रोजेक्ट है, तो आधा बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट का मतलब हम नमक समझते हैं, पर यहाँ पे ये सॉल्ट जो है वो लर्निंग प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्रोजेक्ट है, एजुकेशन से एसोसिएटेड है। तो सॉल्ट प्रोजेक्ट का एसोसिएशन किससे है, एजुकेशन से है। किस राज्य का है ये, आंध्र प्रदेश का है। ये दो बातें पहले हमने सीख ली, आइए अब हम बाकी न्यूज़ को यहाँ पे समझते हैं। वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड अनकंडीशनल लोन ऑफ $250 मिलियन फॉर सॉल्ट प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने एक्सटेंड किया है $250 मिलियन का लोन फॉर सपोर्टिंग आंध्र प्रदेश लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सॉल्ट प्रोजेक्ट। तो सॉल्ट प्रोजेक्ट जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने का काम कर रहा है आंध्र प्रदेश में, और सॉल्ट प्रोजेक्ट जो है वो पहला इस तरीके का पहला प्रोजेक्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा विदाउट प्री कंडीशन सर्व किया जा रहा है या फंड किया जा रहा है आने वाले 5 सालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा परचम के एप्लीकेशन पे एसएससी ज्योग्राफी कोर्स और कंप्लीट एसएससी कोर्स अवेलेबल है, आप परचम के एप्लीकेशन से उसको परचेस कर सकते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ एड्रेस द यूनियन नेशन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोपार्शियल इंटरनेशनल कांग्रेस इन हैदराबाद। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, IMF के अकॉर्डिंग भारत की GDP फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए क्या रहने वाली है, तो 6.8% रहने वाली है, विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अगर हम IMF के बारे में बात करते हैं तो IMF को 1945 में बनाया गया था, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिलाना जॉर्जिविया है जो कि बुल्गारिया से है, फर्स्ट डिप्टी MD गीता गोपीनाथन, चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर है जो कि फ्रांस से है, और मेंबर कंट्री 190 है। नेक्स्ट है, हु विल अपॉइंट एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, BCCI के अपकमिंग प्रेसिडेंट कौन होंगे, तो आंसर हो जाएगा रोजर बिनी होंगे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, जो कि रिप्लेस करेंगे सौरभ गांगुली को, क्योंकि प्रेजेंट में सौरभ गांगुली प्रेसिडेंट है। BCCI का फॉर्मेशन 1928 में हुआ था, मुंबई बानखेड़े स्टेडियम में इसका हेड ऑफिस है, फर्स्ट प्रेसिडेंट RE ग्रैंड गोवन थे, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह है, और फर्दर एक साल अगले साल के लिए भी सेक्रेटरी जो रहेंगे वो जय शाह ही रहेंगे। मेंस टीम के कोच राहुल द्रविड़ हैं और वीमेंस टीम के कोच जो है वो रमेश पवार हैं। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द BCCI। नेक्स्ट है, हु हैज़ एज्यूम चार्ज एज अ होल टाइम मेंबर इन SEBI, तो SEBI में फुल टाइम मेंबर कौन रहने वाले हैं, तो आनंद नारायण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द जॉइंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय अर्नेस्ट एंड यंग एंड द इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इंडियन स्पेस इकोनॉमी इज सेट टू रीच $13 बिलियन बाय विच ईयर। तो भारत की जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी है वो $13 बिलियन तक कब तक पहुँच जाएगी, तो 2025 तक पहुँच जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, महेंद्र सिंह धोनी इनाग्रेटेड द सुपर किंग अकेडमी एट द MS धोनी ग्लोबल स्कूल इन ब्लैंक, तो ये कहाँ पर, तमिलनाडु के होसुर में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। This is the question of the day. Skilling of girls in non-traditional livelihood has been included in which flagship scheme? तो ये जो skilling of girls in non-traditional livelihood scheme है ये किस प्रोग्राम के अंतर्गत आती है, 4 options हैं। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर एंड बाय बाय।